तो देखो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि अपने ट्रेलर से ही बता देती है कि या तो वो टाइम पास होंगी या फिर वो भी नहीं। और इस फिल्म का ट्रेलर भी कहीं ना कहीं बता देता है कि आखिर ये किस टाइप की मूवी होने वाली है। गोस्टेड एक एक्शन रोम कॉम फिल्म जिसकी लेंथ है लगभग 2 घंटा, यानी आपको इसे देखने के लिए एक ठीक ठाक सा टाइम देना होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जान लेते हैं। जिसकी कहानी फॉलो करती है कोल को, जो कि सेडी से मिलता है। दोनों के बीच प्यार होता है, दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, पर एक दिन सेडी का चले जाना और कोल की कॉल्स का और मैसेजेस का जवाब ना देना, जिसके बाद कोल निकल पड़ता है सेडी से मिलने, जहां उसे पता चलता है सेडी के बारे में एक काफी बड़ा सच, जिसके बाद क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी पूरी फिल्म को। तो देखो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ फिल्में अपने ट्रेलर से बता देती हैं कि वो अच्छी होंगी या फिर बहुत ही बुरी, और इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद अंदाजा हो जाता है कि या तो ये एक अच्छी खासी टाइम पास रोम कॉम फिल्म रहेगी या फिर एक एवरेज रोम कॉम फिल्म, आई मीन रोम कॉम एक्शन फिल्म। जिसके अब सीधा आ जाए रिव्यू पर, तो कहानी पुरानी है, प्रिडिक्टेबल है, आप फिल्म की हर एक बीट को काफी इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे, क्योंकि इस टाइप की कहानी हमने पहले भी कई बार देख रखी है, एक नॉर्मल गाय एक बैडेस्ट गर्ल का मिलना। और मैं ये नहीं कहता कि ये कहानी वर्क नहीं करती, करती है अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो, जो कि दूर दूर तक इस फिल्म के साथ नहीं हुआ। पर सबसे बड़ी डिसअपॉइंट वाली बात तो ये है कि इस फिल्म के राइटर्स ने हमें स्पाइडरमैन मूवीज और डेडपूल जैसी फिल्म दी है, और अब उसके बाद ये फिल्म सीरियसली मतलब राइटिंग को लेकर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई, फिल्म को देखकर ऐसा ही लग रहा था। वही अगर बात करूँ प्रेजेंटेशन की तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिल्म की कॉमेडी की तो कॉमेडी भी बिल्कुल भी काम नहीं आती, पर कुछ जगह पर कुछ लोगों के लिए काम आ सकती है, बाकी इसके अलावा एक्शन को लेकर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई। पर बजट के हिसाब से एक्शन अच्छे है जो कि आपको पसंद आ सकते हैं, पर कुछ भी बड़ा या फिर नया नहीं किया गया जो इस फिल्म को अलग बनाए। वही अगर मैं आ जाऊँ परफॉर्मेंस पर तो अदर एक्टर्स को तो छोड़ दो, फिल्म के दोनों मेन लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी एवरेज है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्रिस इवांस की तो हम उन्हें कैप्टन अमेरिका के रोल में इतना ज्यादा पसंद कर चुके हैं कि इस टाइप के रोल में उन्हें देखना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से तब जब उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी निखर कर ना आए और ऐसा लगे कि वो रायन रेनॉल्ड का कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस टाइप के रोल प्ले करने में रायन रेनॉल्ड माहिर है बट क्रिस इवांस बिल्कुल भी नहीं। वही अगर मैं बात करूँ एना दे आर्मस की तो वो स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं, बहुत कुछ लगती हैं, बट एक्टिंग को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बाकी ऑफ स्क्रीन का पता नहीं, बट ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ठंडी थी, जो पिछली फिल्मों में ठीक थे, बट एज अ कपल इन्हें इस फिल्म में कास्ट करना कहीं ना कहीं एक बैड डिसीजन था। बाकी फिल्म में आपको कुछ एक्टर्स के कैमरे देखने मिल जाएंगे जो कि बस फिल्म में डाल दिए गए हैं किसी बड़े रीजन की वजह से नहीं। तो ओवरऑल मेरी नजर में गोस्टेड एक अबव एवरेज फिल्म है जो कि शायद से मास ऑडियंस को पसंद आ जाए, जिन्हें ध्यान में रखते हुए मैं इसे दूंगा 2.5 स्टार्स, जिनके लिए शायद ये एक एंटरटेनिंग फिल्म हो। बाकी हाँ मेरे लिए ये एक एवरेज फिल्म थी जिसे मैं दूंगा 2 स्टार्स, जिसे अगर आपने देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।